हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशल आज पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ये 1500 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और जो भी एग्जाम होने वाले हैं सोशियोलॉजी से, सबके लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहरीकरण, कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शहरीकरण सबसे कम हुआ है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? न्यूनतम 5000 की जनसंख्या हो, कम से कम 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में कार्य कर रहे हों, नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए, कौन जनगणना नगर की विशेषता नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नगर पालिका निगम छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर की विद्यमानता हो, ये जनगणना नगर की विशेषता नहीं है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत क्रांति का संबंध है तिलहन, दुग्ध, तेलंगाना, टाइगर संरक्षण। राइट आंसर क्या होगा? पीत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, तिलहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलोवस्की के प्रकारवाद को बहुधा किस रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यक्तिवादी प्रकारवाद, मूलभूत प्रकारवाद, सामूहिक प्रकारवाद, मनोवैज्ञानिक प्रकारवाद। मैलोवस्की के प्रकारवाद को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, व्यक्तिवादी प्रकारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार है आंशिक रूप से अभिप्रेरित व स्वीकृत, अभिप्रेरित व स्वीकृत, अभिप्रेरित नहीं और अस्वीकृत, आंशिक रूप से अभिप्रेरित व आंशिक रूप से स्वीकृत। राइट आंसर बताइए, रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, अभिप्रेरित व स्वीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समग्र के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया? मार्शल मैकलुहान, डेविड हार्वे, मैनुअल कैसेस, एंथनी गिडिंग्स। आधुनिक समाज में कालातीत के रूप में समग्र के रूपांतरण पर किस विद्वान ने जोर दिया? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, मैनुअल कैसल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणी प्राकलन की प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा, तकनीकी विनिर्देश, गलत होने योग्य भिन्नता। सामाजिक विज्ञान शोध में निराकरणी प्राकलन की प्रारंभिक दार्शनिक पूर्व धारणा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, गलत होने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट तीन अवस्थाओं का वर्णन करता है जिसमें स्व की अवधारणा पैदा होती है और उसका विकास होता है। प्रारंभिक क्रिया की अवस्था क्रीड़ा है, दूसरी अवस्था कौन सी है?
कौशल अवस्था, व्यक्त अवस्था, खेल अवस्था, शिशु अवस्था। राइट आंसर बताइए। दूसरी अवस्था खेल अवस्था है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? गेट्स, शोर्ट्स, मेड, मैनहीम। किसे सांकेतिक नृविज्ञान के प्रमुख विद्वान के रूप में जाना जाता है? क्लिफोर्ड गिड, अल्फ्रेड सो, जॉर्ज हर्बर्ट मेड, कार्ल मैनहीम। इसमें ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, क्लिफोर्ड गिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉफमैन के अनुसार जब गुजरने वाले व्यक्ति एक दूसरे पर शीघ्रता से नज़र डालते हैं और फिर पुनः दूर कहीं देखने लगते हैं तो इसे कहा जाता है संपर्क न रखना, अंतःक्रिया करना, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया करना, नागरिक उपेक्षा करना। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, नागरिक उपेक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, किसका विचार है कि अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है? लेवी स्ट्रॉस, स्पेंसर, कैथलीन गव, वेस्टरमार्क। अगम्य गमन निषेध व्यापक समाज के साथ संबंध बनाने में सहायक होता है, ये किसका विचार है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिला की स्थिति विशेष रूप से नीचे गई है, क्रमशः ऊपर उठी है, परिवर्तित रही है, परिभाषित नहीं की गई है। राइट आंसर बताइए। आधुनिक औद्योगिकृत समाज में उद्योगों में महिला की स्थिति तो क्रमशः ऊपर उठी है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं हैं? यह एक सामूहिक व्यवहार है, यह लक्ष्योन्मुखी होता है, यह परिवर्तन ला सकता है या प्रतिरोध कर सकता है, आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं भले ही ज्ञात या अज्ञात हों, आंदोलन केवल वचन के कारण होता है। सामाजिक आंदोलन के संबंध में कौन सा सही है? इसमें एक दो चार, दो तीन पाँच, एक दो तीन, तीन चार पाँच। राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक व्यवहार है, ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों कट गए। और यह लक्ष्योन्मुखी होता है, यह किसी लक्ष्य के लिए होता है, ये भी सही है। और आंदोलन के कारण हमेशा वास्तविक होते हैं भले ही ज्ञात हो या अज्ञात हो, ऑप्शन फोर। तो एक दो चार, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली की विशेषता है? मुक्तहीन श्रम, माल उत्पादन, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समेकन, यांत्रिकीकरण, जीवन निर्वाह। एक दो तीन, दो तीन पाँच, तीन चार पाँच, एक तीन पाँच। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पूर्व पूंजीवाद उत्पादन प्रणाली की विशेषता पूछा है, तो इसमें होगा मुक्तहीन श्रम होगा,
आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का समेकन होगा और जीवन निर्वाह 1, 3, 5 ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से इथोज ऑफ साइंस के घटक हैं? संगठित संशयवाद, अभिरुचि, सार्वभौमिकरण, सांप्रदायिकता, संज्ञानात्मकता। इथोज ऑफ साइंस के घटक कौन से हैं रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार? तो इसमें राइट आंसर होगा संगठित संशयवाद, सार्वभौमिकरण और सांप्रदायिकता। 1, 3, 4 ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। संगठित संशयवाद, सार्वभौमिकरण, सांप्रदायिकता। अभिरुचि और संज्ञानात्मकता ये जो है एक मनोवैज्ञानिक घटक है, ये साइंस के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो बांध भारत में सबसे विशाल बांध है? सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, हीरा कुंड बांध। 1 और 2, 2 और 4, 2 और 3, 1 और 4 राइट आंसर बताइए। कौन से दो बांध भारत के सबसे विशाल बांध है? तो भाखड़ा बांध है और टिहरी बांध, 2 और 3 ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय संयुक्त के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो स्थितियां आवश्यक हैं? सांविधिक नगर, जनगणना नगर। सभी संगठकों में 20,000 अथवा अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 1 स्नातक महाविद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, 1 और 5 राइट आंसर बताइए। नगरीय संयुक्त के लिए कौन सी दो स्थितियां आवश्यक है? तो इसमें राइट आंसर होगा सांविधिक नगर है। सभी संगठकों में 20,000 या अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 1 और 3 ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 तक समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से 3 विकासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई? पर्यावरण, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैंगिक, सामाजिक। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 5 राइट आंसर क्या होगा? भारत में स्वतंत्रता के बाद 1970 पर समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन में कौन से 3 विकासों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई? तो इसमें राइट आंसर होगा सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक, 2, 3, 5 ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 2, 3, 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेरण के तत्व कौन से हैं? सामान्य कथन, 2 या अधिक चरों के बीच, नियमित सहचर्य का सुझाव देना, अनुभूति परक प्रेक्षणों की श्रृंखला से व्युत्पन्न, निष्कर्ष, प्रारंभिक बिंदु, सुदृढ़ निष्कर्ष। 1, 2, 3, 2 और 4, 3, 4, 5, 2, 4, 5 राइट आंसर क्या होगा? कौन प्रेरण के तत्व कौन से हैं? तो इसमें राइट आंसर होगा नियमित सहचर्य का सुझाव देना, निष्कर्ष, प्रारंभिक बिंदु है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, 2 और 4 नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होते हैं? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद
330, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 148, 1, 2, 4, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 1, 3, 4, राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर होगा अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 275। राइट आंसर होगा इसमें 1, 3, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी सोनिन के अनुसार कृषक समाजों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? पारिवारिक श्रम, बाजार के लिए उत्पादन, जीवन पद्धति के रूप में कृषि, नगरीय साधनों पर निरंतरता, कमजोर स्थिति। सही विकल्प बताना है 1, 2, 3, 1, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 4, 5, राइट आंसर बताइए। टी सोनिन के अनुसार कृषक समाज की विशेषता पूछा है, कृषक समाज। तो कृषक समाज में पारिवारिक श्रम होता है, जीवन पद्धति कृषि के रूप में होता है और कमजोर स्थिति होती है। 1, 3, 5, ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? समुदाय, मित्र, अभिभावक समूह, साथी समूह। सामान्यीकृत अन्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, साथी समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसका नाम संबंधित है? एडवर्ड सेल्स, मर्टन, मोरेनो, गॉफमैन। अंतरक्रिया अनुष्ठान से किसका नाम संबंधित है? तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है, इरविन गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यस्त स्तर पर आत्म के संगठन से किसका सरोकार था? लकमैन, बर्जर, गॉफमैन, मीड। राइट आंसर बताइए। सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यस्त स्तर पर आत्म के संगठन या संयोजन से किसका सरोकार था? ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है, इरविन गॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेराल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, एक उनकी सूची से अलग करिए, वह कौन है? पार्सन्स, हर्शल, शोर्ट, मर्टन। हेराल्ड गारफिंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित थे, निम्न में से एक उनकी सूची से अलग करिए, वह कौन है? तो रॉबर्ट के मर्टन है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, आंकड़ों का सांख्यिकीय वर्णन, लिखित अभिलेखों का अध्ययन। राइट आंसर क्या होगा? गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका विवरण प्रस्तुत करता है? पार्सन्स, मर्टन, डेविस मूर, हर्शल, शोर्ट, बर्जर, लकमैन। राइट आंसर बताइए। कौन दैनिक जीवन और संस्थाओं के सामाजिक निर्माण में सामान्य बुद्धि ज्ञान की भूमिका? राइट आंसर होगा बर्जर, लकमैन, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेड द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्व मूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृत या अस्वीकृत पर सर्वाधिक प्रभाव होता है कहा गया है? संदर्भ दूसरे, महत्वपूर्ण दूसरे, सामान्यीकृत दूसरे, मॉडल दूसरे। मीर
यूनिट द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनका किसी व्यक्ति के स्व मूल्यांकन तथा सामाजिक आदर्शों की स्वीकृत या अस्वीकृत पर सर्वाधिक प्रभाव होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है सामान्यीकृत दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हर्शल की घटना क्रिया विज्ञान के लिए विज्ञान के दृष्टिकोण का आलोचनात्मक विनियोग प्रस्तुत किया। आलोचनात्मक हर्शल की घटना क्रिया विज्ञान की मतलब किसने आलोचना की है? बर्जर, शूर्ट, लकमैन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हर्शल का घटना क्रिया विज्ञान को लेकर जो दृष्टिकोण था उसकी आलोचना अल्फ्रेड सूर्ज ने की है। इन्होंने घटना क्रिया विज्ञान की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं? निर्जात, प्रणाली विज्ञान, प्रघटना शास्त्र, व्यवहारवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। कौन सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है निर्जात, प्रणाली विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड शोर्ट द्वारा लाइफ वर्ड की अवधारणा की कितनी मौलिक विशेषताएं बताई गई हैं? 10, 8, 4, 6। अल्फ्रेड शोर्ट ने जीवन जगत की कितनी मौलिक विशेषताएं बताई हैं? ऑप्शन 4 राइट आंसर है 6 विशेषताएं बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सामाजिक सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? गॉरफिंकल, गिडिंग्स, गॉफमैन, लकमैन। राइट आंसर बताइए। समाजशास्त्र के अंतर्गत उस सैद्धांतिक और विशेषीकृत दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की जो यथार्थ बोध के निर्माण में लागू सक्षमता और प्रणालियों को स्पष्ट करता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है हेराल्ड गॉरफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? विनिमय, पीटर ब्लाउ, निर्देशकता गॉरफिंकल, अंत आत्मनिष्ठता अल्फ्रेड सूट, उपर्युक्त सभी। तो इसमें ये तीनों ही सुमेलित हैं। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड सूर्ज ने सामाजिक यथार्थ के चार विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है। प्रत्येक क्षेत्र आधारित है आनुभाविकता पर, ऐतिहासिकता पर, तार्किकता पर, अमूर्तता पर। राइट आंसर बताइए। अल्फ्रेड सूर्ज ने सामाजिक यथार्थ के चार विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है। प्रत्येक क्षेत्र आधारित है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है अमूर्तता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? बर्जर, ब्लूमर, हर्शल, शोर्ज। तो ब्लूमर ये विनिमय सिद्धांत से संबंधित हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, ब्लूमर प्रघटना शास्त्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक संकल्पना का प्रयोग गॉफमैन ने अपने उपागम में नहीं किया है? प्रभाव प्रबंधन, टीम, विवरण, अग्रमंच। राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 3 विवरण। प्रभाव प्रबंधन की बात की है, टीम की बात की है, अग्रमंच पश्चिमंच की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? 1950 का दशक, 1960 का दशक, 1970 का दशक, 1940 का दशक। राइट आंसर बताइए। निर्जातीय कार्य प्रणाली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन 4 राइट आंसर है 1940 का दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्जर एवं लुकमान के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इसकी उत्पत्ति एवं अस्तित्व दोनों के संबंध में
एक सामाजिक उत्पाद, एक मनोवैज्ञानिक संरचना, एक चालू मानव उत्पादन, सामाजिक अंतःक्रिया का एक परिणाम। बर्जर एवं लकमैन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इसकी उत्पत्ति एवं अस्तित्व दोनों के संबंध में है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है एक चालू मानव उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि निर्जातीय पद्धतियां प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं? सूट्स, हाइमेन, गॉरफिंकल, बर्जर। निर्जात पद्धति प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं या जवाबदेह हैं? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है गॉरफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अध्येतक गहन विवरण से संबंधित है? क्लिफोर्ड, गिर्ट्स, सूर्ज, गॉफमैन, कालमैन। कौन सा अध्येतक गहन विवरण से संबंधित है? तो क्लिफोर्ड गिर्ट्स हैं, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित है? नाट्य शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, गॉफमैन, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, मीट, घटना विज्ञान, सूर्य, उपर्युक्त सभी। तो नाट्य शास्त्र गॉफमैन का है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद मीट का है, घटना क्रिया विज्ञान सूर्य का है। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमर के अनुसार निम्नलिखित में से सामाजिक कृत्य नहीं है? विवाह, पारिवारिक रात्रि भोजन, शैक्षिक पर्यटन, डायरी लिखना। सामाजिक कृत्य क्वेश्चन में पूछा है, ब्लूमर के अनुसार सामाजिक कृत्य नहीं है, तो डायरी लिखना ये नहीं है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ही सुमेलित है? ड्रामाटर्जी, गॉफमैन, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, गॉरफिंकल, लाइफ वर्ल्ड, सोच, उपर्युक्त सभी। सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है? तो ड्रामाटर्जी गॉफमैन का है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट गॉरफिंकल का, लाइफ वर्ल्ड सोच का है, उपर्युक्त सभी, ये सब सुमेलित हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के चरणों में वर्णित बर्जर और लकमैन के सिद्धांत की मुख्य अवधारणाएं हैं? विषयीकरण, आभ्यांतरीकरण, विषयनिष्ठता, वहीकरण, समावेशन, आभ्यांतरीकरण, वहीकरण, विषयीकरण, आभ्यांतरीकरण, आभ्यांतरीकरण, विषयनिष्ठता, वहीकरण। राइट आंसर बताइए। बर्जर और लकमैन के सिद्धांत का मुख्य अवधारणाएं हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बहिकरण, विषयीकरण, आभ्यांतरीकरण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड सूर्ज के अनुसार मनुष्य के आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है हमेशा दुरू, उसका समीपवर्ती परिवेश, उसकी पारंपरिक क्रिया में शामिल अर्थ, प्रतिदिन के जीवन की दुनिया। अल्फ्रेड सूर्ज के अनुसार मनुष्य की आधारभूत एवं सर्वोच्च वास्तविकता है प्रतिदिन के जीवन की दुनिया। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोग और संस्कृतियां अपने उनके परिवेश के भीतर के अध्ययन की पद्धति के रूप में निर्जात विज्ञान का प्रयोग करता है? गॉरफिंकल, पार्सन्स, ब्राउन, मेलनोवस्की। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है हेराल्ड गॉरफिंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यांकन का वह दृष्टिकोण जिसमें नाट्यशाला रोजमर्रा के जीवन में एक समानता का आधार होती है जिसके रूप में जाना जाता है? नाट्यशास्त्र प्रयोजनवाद, धर्मशास्त्र, जरा विज्ञान। सामाजिक मूल्यांकन का वह दृष्टिकोण जिसमें नाट्यशाला रोजमर्रा के जीवन में एक समानता का आधार होती है,
ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है नाट्यशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह माना है कि कृत्य प्रायः अनैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है? वार्फिंकर, शोर्ट, मैक्स वेबर, जॉन हेरिटेज। कृत्य प्रायः अनैतिक और तुलनात्मक रूप से अप्रतिवर्ती होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अल्फ्रेड शोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका है विचार है कि लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वह स्वयं अपनी चेतना के प्रवाह में रहते हैं? अल्फ्रेड शोर्ट, मिशेल फूको, इरविन गॉफमैन, बर्जर। राइट आंसर बताइए। लोग दूसरों की चेतना को समझते हैं जबकि वह स्वयं अपनी चेतना के प्रवाह में रहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है अल्फ्रेड शोर्ट। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।